आज का जो हमारा टॉपिक है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। पहले हम सिंगल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर टू पार्टिकल का, फिर थ्री पार्टिकल का, फिर फोर पार्टिकल का। फर्स्ट जो केस हम लेंगे वो लेंगे कि पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल। ए पार्टिकल इज थ्रोन इन बॉक्स फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस, और बॉक्स को हमने टू इक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, इक्वल साइज कंपार्टमेंट में। तो जो पार्टिकल है उसके पास वो फ्री है, वो कंपार्टमेंट फर्स्ट में भी जा सकता है और सेकंड में भी जा सकता है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और ना जाने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी मींस जो एक्सपेरिमेंट से पहले, मींस जो हमारा अंदाजा है कि पहले कंपार्टमेंट में जाने के इतने चांस है और दूसरे में इतने, दोनों में 50-50 है। तो इसमें माइक्रोस्टेट कितनी हुई, या तो पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में गया है या सेकंड कंपार्टमेंट में गया, तो दो होंगी। फर्स्ट में पार्टिकल गया, सेकंड खाली है, फर्स्ट में नहीं गया, सेकंड में गया है। ए से रिप्रेजेंट कर दिया हमने पार्टिकल को। तो मैक्रोस्टेट क्या होगी, मैक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे इन स्मॉल ब्रैकेट 1,0। 1,0 मीन्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में, सेकंड में नहीं है, और 0,1 फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली और सेकंड में गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1,1, क्योंकि एक अरेंजमेंट होगी इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, 1,0 के कॉरस्पॉन्डिंग और 0,1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ही अरेंजमेंट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या कितनी होगी, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट। टोटल कितने हैं, 2 है, पहले कंपार्टमेंट में गया या फिर दूसरे में गया, तो टोटल तो अपने पास 2 हो गए और फेवरेबल कितने हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी जब पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी 1/2, और जब पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी 1/2। सो देर आर टू पॉसिबिलिटी आउट ऑफ विच 1 आकर, या तो पार्टिकल फर्स्ट में जाएगा या सेकंड में जाएगा, एंड द प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफ विच इज 1/2। अब दो पार्टिकल है ए और बी, ए को हमने ए कह दिया और बी, और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स में। पहले हमने एक का देखा था, अब दो का देखेंगे। माइक्रोस्टेट्स मीन्स कौन कौन सी अरेंजमेंट हो सकती है, या तो पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों सेकंड में चले गए जो लास्ट में दिया है। ए और बी फर्स्ट कंपार्टमेंट में चले गए और सेकंड खाली रह गया, तो माइक्रोस्टेट्स क्या होगी 2,0। जो 2,0, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 1। ए बी और बी ए आर मीनिंगलेस, एक जो कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल का ऑर्डर है वो मीनिंगलेस है, या फिर पार्टिकल दोनों में, एक फर्स्ट कंपार्टमेंट में गया दूसरा सेकंड कंपार्टमेंट में गया, ए पार्टिकल फर्स्ट में चला गया बी सेकंड में चला गया, एक अरेंजमेंट होगी। ये भी हो सकता है कि बी पहले में चला गया और ए सेकंड में चला गया, तो मैक्रोस्टेट क्या होगी, मैक्रो की दोनों पार्टिकल में एक एक पार्टिकल गए हैं 1,1, और फ्रीक्वेंसी 2 होगी, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी, या तो पहले में ए गया है और दूसरे में बी, और या फिर पहले में बी गया और दूसरे में ए, तो 1,1 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 होगी। या चौथी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, पहला खाली है कंपार्टमेंट, दोनों के दोनों पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए, क्योंकि हमने किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन पार्टिकल पर नहीं डाले, तो पार्टिकल किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकता है,
और विद इन पार्टिकल कंपार्टमेंट जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो मीनिंगलेस है, ए बी या बी ए इमटेरियल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2.0 मैक्रोस्टेट के कोरस्पोंडिंग फेवरेबल इवेंट हो गया 1 और टोटल आउटकम कितनी होगी 4 पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 कि पहले कंपार्टमेंट में दोनों पार्टिकल गए तो उसमें टोटल इवेंट क्या होंगे 1, दोनों में एक एक गया तो 2 पॉसिबिलिटी है, पहले में ए गया है या बी गया है, तो 2/4 दो पहला खाली है, दूसरे में 2 गए दोनों गए तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। अब 3 पार्टी तो इसके कोरस्पोंडिंग टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी, माइक्रोस्टेट होगी n+1 3, 1, 2, 3 दो पार्टिकल थे और टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी 2^n 1, 2, 3, 4। अब अगर 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो 3 पार्टिकल में दो कंपार्टमेंट्स के अंदर तो कौन कौन सी माइक्रोस्टेट होगी कि तीनों पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में और दूसरा खाली है, तो माइक्रोस्टेट क्या होगी 3.0 जो माइक्रोस्टेट है रिप्रेजेंट करेगी पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल है और दूसरे में 0। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8 क्योंकि जो टोटल आउटकम है टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट है या टोटल जो अरेंजमेंट है वो 8 है और 3.0 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है, अगर हम ये कहें कि पहले कंपार्टमेंट में तो 3 पार्टिकल होने चाहिए और दूसरा में खाली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी 1 ही आएगी, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/8 पहले में 2 है और दूसरे में 1 है, तो पहले में 2 कौन कौन से ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है और सी ए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3 अरेंजमेंट होगी। मैक्रोस्टेट क्या अभी 2.1 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8 पहले में एक कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल गया और दूसरे में 2 चले गए तो मैक्रोस्टेट होगी 1.2 और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8 कि हम ये करें कि पहले पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल गया और दूसरे में 2 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं कि ए पार्टिकल पहले में गया बी और सी दूसरे में, बी पहले कंपार्टमेंट में गया है ए और सी दूसरे में, सी पहले कंपार्टमेंट में गया ए और बी दूसरे में, तो कितने पॉसिबल इवेंट फेवरेबल इवेंट हो गए कॉरस्पॉन्डिंग टू माइक्रोस्टेट 1.2, 3 और टोटल कितने होंगे 8 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। तो यहाँ 3 पार्टिकल है 2 कंपार्टमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ गई 2^3 और मैक्रोस्टेट आ गई n n+1 3+1 4 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन 2 कंपार्टमेंट्स, 4 पार्टिकल के केस में चारों के चारों पहले कंपार्टमेंट में आ गए दूसरे में एक भी नहीं गया, माइक्रोस्टेट होगी 4.0 फ्रीक्वेंसी 1 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/16 फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, पहले में 3 चले गए दूसरे में 1 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी, पहले ए बी सी चले गए दूसरे में डी चला गया, फिर पहले में ये भी हो सकता है कि बी सी डी गए हो और पहले दूसरे में ए गया हो, ये भी हो सकता है कि पहले में सी डी ए गया और जो बी है वो दूसरे में गया, तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट क्या होगी 3.1
जो रिप्रेजेंट कर रही है कौन से डिस्ट्रीब्यूट की, पहले कंपार्टमेंट में तीन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरे में एक, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल फेवरेबल इवेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 3.1 माइक्रोस्टेट डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, तो कितनी क्या हो गया प्रोबेबिलिटी 4/16। दो दो पार्टिकल का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब पॉसिबल केसेस हैं कि ये भी हो सकता है, मे बी ये भी हो जाए, मे बी ये भी हो जाए। तो ए बी पहले में गए, सी डी दूसरे में, ए सी पहले में गए, बी डी दूसरे में, तो 2.2 के कोर्स माइक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग कितनी अरेंजमेंट आएगी, टोटल 6 अरेंजमेंट आएगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 6, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/16। पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल गया, दूसरे में 3 गए, तो माइक्रोस्टेट क्या होगी 1.3 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/16। पहले में एक भी पार्टिकल नहीं गया, सारे के सारे दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए, तो 0.4 माइक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/16। 4 पार्टिकल उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने 2 कंपार्टमेंट में चेक किया, तो टोटल माइक्रो